वेलकम टू माई चैनल डेबिट योर नॉलेज। आज हम सीखेंगे कि सैलरी में इंक्रीमेंट कब होता है एज पर CCS रूल्स एंड FR एंड SR रूल्स। देखिए, इंक्रीमेंट जो होता है वो एनुअली होता है, मतलब कि इंक्रीमेंट साल में एक बार होता है। आपका इंक्रीमेंट या तो 1 जनवरी को होगा या फिर 1 जुलाई को होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, आपका डेट ऑफ प्रमोशन क्या है, आपका डेट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन क्या है अंडर MSEP। अब हम दो केसेस देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपका आपको इंक्रीमेंट कब मिलेगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई के बीच में होता है, या फिर 2 जनवरी को होता है या फिर 1 जुलाई को होता है, तो आपको इंक्रीमेंट 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए, आपकी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 2 जनवरी 2021 से लेकर 1 जुलाई 2021 के बीच में होती है। कोई भी डेट इसके बीच में लाए करती है, या फिर 2 जनवरी 2021 को होता है या फिर 1 जुलाई 2021 को होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2022 में मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया। केस वन, केस टू समझते हैं। अगर आपका अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या फिर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की डेट 2 जुलाई से लेके 1 जनवरी के बीच में लाए करती है, या फिर आपका प्रमोशन, अपॉइंटमेंट या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 2 जुलाई को होती है या फिर 1 जनवरी को होती है, तो आपको इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी अपॉइंटमेंट की डेट या प्रमोशन की डेट या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की डेट 2 जुलाई 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 के बीच में आती है, या फिर 2 जुलाई 2021 को आपका प्रमोशन, अपॉइंटमेंट या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है या फिर 1 जनवरी 2022 को होता है, तो इसका मतलब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई 2022 को। आई होप आपको समझ में आ गया दोनों केसेस। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि इंक्रीमेंट पाने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 6 मंथ्स की सर्विस रेंडर करना जरूरी है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डेबिट योर नॉलेज को। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।